ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋਸਪਿਟਲ ਜੋ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਫਲੋਰ ਲਖਨਪਾਲ ਟਾਵਰ ਨੰਗਲ ਰੋਡ ਉਨਾ ਮੇਂ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਯੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ। ਯਹਾਂ ਪਰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੋਸਪਿਟਲ ਕਾ ਸਟਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ੋਂ ਕੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇ ਲੀਏ ਤਿਆਰ ਰਹਿਤਾ ਹੈ। ਹਮਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪਲਸ ਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋਸਪਿਟਲ ਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਕੀਆ। ਆਓ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਤੇ ਹੈ ਹੋਸਪਿਟਲ ਕੀ ਜ਼ਲਕੀਓਂ ਪਰ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ राठौड़ है। मैं MBBS MD साइकाइट्री हूँ। पहले मैंने जयपुर में काम किया है और उसके बाद पंजाब में, और अब मैं हिमाचल ऊना शहर में हूँ। हमारा यहाँ पे गुरु कृपा हेल्थ केयर हॉस्पिटल के नाम से हॉस्पिटल हमने ओपन किया है, जहाँ पे मानसिक रोगों का और नशा मुक्ति से रिलेटेड पूरा इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ भर्ती की सुविधा भी अवेलेबल है और OPD भी है। हम यहाँ मरीज़ को भर्ती करके मानसिक रोगों का और नशे से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं उनका इलाज करते हैं। यहाँ मेरे अलावा नर्सिंग स्टाफ है पूरा, जो कि 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहता है। उसके अलावा यहाँ मरीज़ की देखभाल के लिए वार्ड अटेंडेंट है और प्रॉपर यहाँ पर गार्ड है। यहीं पर हमारे यहाँ खाना बनता है तो उसके लिए कुक की सुविधा भी है, और हमारे यहाँ 10 बेड की सुविधा है जिसमें हम मरीज़ को भर्ती करके नशा छुड़वाते हैं। और मरीज़ अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे भर्ती हो सकता है, जब उसको सही लगे तब वो यहाँ से छुट्टी लेके घर जा सकता है। इसके अलावा मानसिक रोग, जिसमें बहुत प्रकार के रोग आते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, फोबियाज, इन सब का इलाज, और इनके साथ और भी जो बीमारियां हैं जो दिमाग से जुड़ी हुई हैं, उन सब का इलाज भी यहाँ उपलब्ध है। ऊना शहर में इस तरह का अस्पताल पहली बार खुला है और हम ये सब सुविधाएं यहाँ के नागरिकों को दे सकते हैं। OPD एज वेल एज IPD दोनों की सुविधा हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। मानसिक रोगों को लेकर लोगों के मन में काफ़ी भ्रांतियाँ हैं, काफ़ी गलत बातें हैं, लोग झिझकते हैं डॉक्टर के पास पहुंचने में अपना इलाज कराने के लिए। पर और इसी चीज़ को हम बदलना चाहते हैं। आपको जो भी शिकायत हो, आप जो चीज़ें
अपने घर वालों से, परिवार वालों से नहीं बता सकते, आपको लगता है कि कुछ दिक्कतें हैं हमें दिमाग से रिलेटेड, हमारे मन में विचार किस तरह के आ रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ हैं, आप हमारे पास आइए, हमसे बात करिए, हम उसका इलाज, अगर दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी तो दवाइयों से करेंगे, अगर भर्ती करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम भर्ती करके इलाज करेंगे, पर जब तक हम अस्पताल नहीं पहुँचेंगे हमारा सही से इलाज नहीं हो पाएगा, तब तक फिर हम इधर से उधर भटकते रहेंगे, हमारा इलाज प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इस चीज़ों का फ़ायदा फिर वो लोग उठाते हैं जो इस चीज़ के लिए क्वालिफाइड नहीं है, फिर हम बाबा लोगों के पास या इस तरह के लोगों के पास जाते हैं जो गलत इलाज कर सकते हैं, आपका नुकसान कर सकते हैं, गलत तरह की दवाइयाँ दे सकते हैं। तो हमें क्वालिफाइड डॉक्टर के पास, प्रोफेशनल्स के पास जाके अपने मदद लेनी चाहिए। मानसिक रोग को भी बाकी रोगों के हिसाब से ही इलाज की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरीके से अपन बुखार का इलाज करते हैं, मलेरिया का, डेंगू का इलाज करते हैं, टाइफाइड का इलाज होता है, उसी तरीके से ये बीमारियों का इलाज भी संभव है। दवाइयों को रिलेटेड हम हमेशा मन में ये रहते हैं कि दवाइयाँ छूटेंगी, बंद हो जाएंगी, आदत लग जाएंगी, तो वो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी चाहिए, वो आपका डॉक्टर है, प्रोफेशनल्स हैं, जो साइकाइट्रिस्ट हैं आपके, वो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जिस तरीके से डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की दवाइयाँ हम लंबे टाइम तक खाते हैं, उसी तरीके से इन रोगों में भी दवाइयाँ कुछ लंबी चल सकती हैं, तो उनके लिए हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि दवाइयाँ ही हमें उन रोगों से बचा सकती हैं, उन रोगों को से हमें निदान मिल सकता है। हमें इस चीज़ से कभी नहीं झिझकना चाहिए कि मानसिक रोग के डॉक्टर के पास हम नहीं जाएं, क्योंकि हम कहीं और जाएंगे, वहाँ से सही प्रॉपर इलाज हमारा नहीं हो पाएगा। तो मेरा सभी लोगों से, यहाँ इस शहर या आसपास के सभी इलाके के जो भी लोग ये चीज़ सुन रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि घर से निकलिए, सही लोगों के पास, सही प्रोफेशनल्स के पास, स्पेशलिस्ट के पास पहुँचिए, अपना इलाज कराइए। मानसिक रोग के अलावा नशे से रिलेटेड, नशे में बहुत सारी नशे अपने यहाँ पे होते हैं, पर इस एरिया में या कहीं भी, जिसमें तंबाकू आ सकता है, शराब है, अफीम है, चिट्टा है, इन सब रोगों का इलाज है। और इसके साथ सेक्स संबंधी समस्याएँ भी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ती गई हैं, उनसे रिलेटेड हम इलाज करते हैं। सेक्स संबंधी समस्याओं को लेके हमेशा मन में आदमी के झिझक रहती है कि वो किस को इस तरीके से बातें बताएगा, बोलेगा, इसके लिए को लेकर वो किस से पूरी चीज़ समझ सकेगा, क्योंकि लोगों को कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। जब तक आप डॉक्टर के पास जाके पूछेंगे नहीं, अपनी समस्या बताएंगे नहीं, तो उस समस्याओं का हल नहीं मिलेगा। फिर आप उन जगहों पर पहुँचेंगे जहाँ पर आपका इलाज सही तरीके से नहीं होगा। तो सेक्स संबंधी समस्याएं भी अगर आपको हैं, इवन आपको अगर कुछ पूछना भी है जिससे आप हर किसी से बात नहीं कर सकते, वो झिझक रहती है लोगों में, तो वो आप इस हॉस्पिटल में आके हमसे बात करिए, हम उसका इलाज आपको समझाएंगे, निदान होगा तो उसका निदान पूरा करेंगे, चीज़ें आपको क्लियर करेंगे कि चीज़ें क्या हैं, क्या बीमारी है, किस तरीके से इनका इलाज संभव है। तो मेरा एंड में आप लोगों से यही कहना है कि चाहे मानसिक रोग हो, नशा हो या सेक्स संबंधित आपकी समस्या हो, इस अस्पताल में आपको ओपीडी और आईपीडी की सुविधाएं, आपके हर रोग की, इन जो मैंने नाम लिए हैं उनसे रिलेटेड आपको सारी समस्याओं का इलाज यहां आपको मिलेगा। धन्यवाद। हाई, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ व्यास देवगन एंड माय क्वालिफिकेशन इज़ MBA मार्केटिंग फाइनेंस। टुडे आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट अवर वन सेटअप विच इज़ लोकेटेड इन हिमाचल, ऊना डिस्ट्रिक्ट, नंगर रोड, विच वॉज गुरु कृपा हेल्थ केयर हॉस्पिटल ऑफ साइकेट्रिक्स एंड एडिक्शंस। लेट मी टेल यू वन थिंग अबाउट, फर्स्ट आई टेल यू वन थिंग अबाउट साइकेट्रिक्स पेशेंट्स, लाइक समवन अवर फ्रेंड्स हैव अ मेंटली डिसऑर्डर प्रॉब्लम, सो वी हैव प्रॉपर डॉक्टर अवेलेबल फुल फैसिलिटीज ऑफ, एंड अदर वन इज डी एडिक्शन। अगर हमारा कोई भी भाई नशे से पीड़ित है, उसके लिए हम डी एडिक्शन का पूरा फैसिलिटी के साथ इलाज करते हैं। जैसे कि कोई भी हमारा भाई नशे से आदित है, जो कि घर बैठ के नशा नहीं छोड़ पा रहा है, उसके लिए हमारे पास रहने की पूरी सुविधा है, जो कि हमारा 21 दिन का प्रोग्राम है। उसमें क्या होता है, उसमें हम उसकी जो भी उसको तलब वगैरह लगती है या नशे की तोड़ लगती है, उसका हम पूरा इलाज करते हैं। किसी भी तरह की कोई भी हम उसे तकलीफ़ नहीं आने देते, किसी भी तरह की कोई भी उसे परेशानी नहीं आने देते।
और हमारे पास एक है जी साइकेट्रिक्स का। साइकेट्रिक्स में क्या होता है, जैसे किसी को भी किसी दिमागी प्रॉब्लम की, डिप्रेशन या कुछ भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, हम उसका भी पूरा इलाज यहाँ पे करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे पास यहाँ पे 15 बेड की फैसिलिटी अभी अवेलेबल है, जो कि हम पूरी फैसिलिटी के साथ देते हैं। प्रॉपर खाना, प्रॉपर सारा कुछ, उसके कपड़े धोए हुए मिलते हैं उसे, अटैच बाथरूम विद AC एंड गीजर्स, ऑल फैसिलिटीज़ आर है।